दर्द यानी कि जॉइंट पेन रहता है, बॉडी में पेन बना रहता है, बिना किसी बात के थकान रहती है, बॉडी में ब्लोटिंग रहती है यानी कि फूला हुआ रहता है शरीर, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम है या फिर वेट मैनेज नहीं हो रहा है, एक्सेसिव वेट बढ़ता जा रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक ऐसी आसान सी हेल्थ रेमेडी जिससे आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर इंडियन किचन में पाया जाता है, बट इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना बहुत लोगों को नहीं पता है। मुझे इस एक इंग्रेडिएंट से इतना ज्यादा फायदा मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं इसे बनाती हूँ, यूज करती हूँ और क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बात कर रही हूँ मेथी दाना की। हम इसे सब्जियों में डालते हैं, कुछ लोग इसका कुछ और बनाते हैं, बट क्या आपने कभी मेथी पानी बना के पिया है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं पिया होगा। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 से 2 चम्मच मेथी दाना लेके आप 1 ग्लास पानी में सोख होने दें रात भर, और सुबह इस पानी को छान कर आप पी लें। अगर आप मेथी दाना को भी खाएंगे, चबाकर खाएंगे, तो इससे और भी ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने ये कहीं से सीखा था और मैंने इसे अपने ऊपर ट्राई किया है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतने अच्छे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं कि मेरी तो हैबिट हो गई है मेथी पानी पीने की हर सुबह। इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है, यानी कि सुबह उठने के तुरंत बाद आपको इसको पीना है, और उसके बाद ही आपको चाय कॉफी वगैरह जो भी आप लेते हैं वो लेना है। मेथी पानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 ग्लास पानी, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। इसे मिक्स करके ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे रात भर के लिए, ताकि पूरी तरह से मेथी का अर्क आ जाए इस पानी में, मेथी का इन्फ्यूज़न हो जाए इस पानी में, और सुबह हम इसे छान कर पी लेंगे। आप चाहें तो मेथी दाना भी उसके बाद खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। मेथी दाना में होते हैं एम्पल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूबल डाइट्री फाइबर। इन्हें जब हम पानी में सोख करते हैं तो थोड़ा सा स्लाइमी हो जाते हैं। ये फाइबर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है ये तो हम सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर हमारी बॉडी के लिए। और 100 ग्राम मेथी दाना में आपको मिलते हैं 65% ऑफ फाइबर, यानी कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेथी दाना का रोज़ 1 चम्मच सेवन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना गया है हमारी बॉडी के लिए। ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारी बॉडी को बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। ये खाने में थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है मेथी पानी बना के पीने का, ताकि आपको मेथी के बेनिफिट्स भी मिल जाएं और टेस्ट भी इसका पता नहीं चले। चलिए अब देख लेते हैं मेथी दाना किन किन बीमारियों से हमें बचाता है। मेथी दाना हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है कार्ब्स का यानी कार्बोहाइड्रेट्स का एंड शुगर का, और हेल्प करता है हमारे शुगर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने में। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि मेथी दाना हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसे मेंटेन करके रखता है। अक्सर सर्दियों में बहुत सारे लोगों को नी पेन या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेथी पानी अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का मसल पेन या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेथी दाना का पानी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे आपको जल्दी जल्दी कोल्ड एंड फ्लू नहीं होता है। ये हमारी बॉडी को बचा के रखता है इन एलर्जिक सिम्टम्स से। मेथी दाना हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है, जैसा कि आपने देखा कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, विच इन टर्न हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। मेथी दाना का पानी कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड लास्टली, मेथी दाना लैक्टेटिंग मदर्स या न्यू मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो मेथी दाना का पानी अगर लैक्टेटिंग मदर लेती है तो उसे मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो गाइज, ऑल सेड एंड डन, मेथी दाना के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, बट इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो किसी भी नॉर्मल इंसान को बिना किसी दिक्कत के मिलेगी। सो गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेथी पानी को कैसे बनाना है और कैसे इसे यूज करना है। मैं इसे अपने वेट मैनेजमेंट के लिए ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, डायबिटीज में भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर इसको ले रहे हैं, इसके रेगुलर सेवन से आपको डायबिटीज का इश्यू कभी भी नहीं होगा, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी
और जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है उनका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। मेरे भी पापा को डायबिटीज है और वो रेगुलरली इसे लेते हैं। मैंने उन्हीं से सीखा है मेथी पानी बनाना और किस तरह से इसे लेना है। कोई भी चीज लेने से पहले मेक श्योर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा इसे लेने से पहले। वैसे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से ले रही हूँ, बट मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मुझे अपना वेट मैनेजमेंट करना था इसलिए मैं इसे ले रही थी, और डायबिटीज ना हो फ्यूचर में तो इसके लिए एज अ प्रिकॉशनरी हम इसे ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं बिसाइड्स ब्यूटी एंड स्किन केयर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी किचन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और इसे बनाना और लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।